वर्ल्ड कप 2019 भारत की दावेदारी का बांग्लादेश के पूर्व कप्तान ने उड़ाया मजाक। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, इंग्लैंड में 30 मई से शुरू हो रहे विश्व कप के लिए सभी टीमें अपनी कमर कस चुकी हैं। इस बार विश्व कप की मेजबानी कर रहे इंग्लैंड के साथ साथ भारत को भी विश्व कप का दावेदार माना जा रहा है। क्रिकेट के कई दिग्गज खिलाड़ी के माने तो विराट कोहली की अगुवाई में भारत इस बार का विश्व कप जीत सकती है, लेकिन बांग्लादेश के पूर्व कप्तान ने भारत की दावेदारी का मजाक उड़ाया है। बांग्लादेश के पूर्व कप्तान और इस बार विश्व कप खेल रहे शाकिब ने कहा है कि भारत और इंग्लैंड मजबूत टीमें हैं, लेकिन उन्हें मिला फेवरेट का तमगा उन्हें विश्व कप नहीं दिला सकता है। शाकिब ने कहा कि भारत और इंग्लैंड निश्चित तौर पर जीत के दावेदार हैं, लेकिन इसमें उन्हें खिताब नहीं मिल जाएगा। आपको विश्व कप जैसे टूर्नामेंट में जीत के लिए मेहनत करनी होती है। ऑस्ट्रेलिया हालिया दौर में अच्छा कर रही है और वेस्टइंडीज टीम ने सही समय पर राह पकड़ ली है। ईमानदारी से कहूं तो सभी टीमें तैयार हैं। अब जीतना इस बात पर निर्भर करता है कि कौन अच्छा करता है। शाकिब ने कहा कि इस बार उनकी टीम भी विश्व कप जीतने की प्रमुख दावेदारों में से एक है। उन्होंने कहा कि इस बार मुझे लगता है कि हमारे जीत की संभावनाएं हैं, लेकिन टूर्नामेंट का फॉर्मेट ध्यान में रखते हुए हमें लगातार अच्छा करना होगा। अगर हम ये कर सके तो हम निश्चित तौर पर नॉकआउट्स के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे और वहां से हम आगे जा सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि हम ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।